नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी आयसर वाहन असंतुलित होकर भैरव घाट पर पलटा, जिसमें एक की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए इंदौर एम्बा अस्पताल में रेफर किया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। दरअसल नर्मदा जयंती के मौके पर धार और महू के श्रद्धालु ओमकारेश्वर तीर्थ दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा ओमकारेश्वर और भैरव घाट के बीच में हुआ। बताया जा रहा है कि आयसर में सवार 33 लोग सवार थे और आयसर वाहन तेज गति से जा रहा था और असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पतालों में रेफर किया। वहीं SDM अजय देव शर्मा ने कहा कि सिमरौल थाने के अंतर्गत आयसर पलट जाने से 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित SDM द्वारा कलेक्टर को जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर अलैया राजा TV मौजूद रहे और डॉक्टर से इलाज के संबंध में जानकारी ली और घायलों के इलाज के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही RTO और संबंधित क्षेत्रीय SDO को भी निर्देश दिया है कि विगत कुछ समय से वहां पहले भी दुर्घटनाएं हुई थी और वहां पर बार बार इस तरह दुर्घटना क्यों हो रही है, इसकी भी जाँच करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, ताकि दुर्घटना दोबारा ना हो। ADM ने बताया कि ये सभी यात्री धार महू के रहने वाले हैं और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी स्नान के लिए इंदौर से जा रहे थे। वहीं एम्बा अस्पताल अधीक्षक PS ठाकुर ने बताया कि एक महिला की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हैं। सभी का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है और जैसे ही कोई आवश्यकता होगी उन्हें सभी सुविधा दी जाएगी। PS ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम सभी घायलों को देखने पहुंची थी। कुल 15 लोग अभी एक्सीडेंट के आए हैं यहाँ पे चोरल से, जिसमें से एक तो ब्रॉड डेड है महिला और बाकी 14 हैं, उनमें से दो थोड़े से गंभीर हैं और कुछ लोगों के हाथ में पैर में फ्रैक्चर है, तो सबका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है और जैसी भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर साहब भी यहां पर आए थे और घायलों से कलेक्टर साहब भी आए हैं, ADM साहब भी आए हैं दोनों, और सभी SDM भी हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, सभी लोगों ने, क्योंकि क्या है जब ऐसी बड़ी कोई घटना होती है तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और हम सभी लोग उसको देख रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति कोई ज़रूरत है तो उसके हिसाब से कुछ मैनेज कर सकें। बाकी सबका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर PS ठाकुर, अधीक्षक एम्बा अस्पताल इंदौर। सिमरौल थाना अंतर्गत भैरू घाट में एक आयसर पलट जाने से 15 लोगों घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमारे स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस वहाँ पहुँची, यहाँ पर जो अधीक्षक प्रमन ठाकुर जी उनको अलर्ट किया गया था। संबंधित SDM TI से बात करते हुए मैंने कलेक्टर महोदय को संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो 15 लोग घायल हुए थे उसमें से एक ब्रॉड डेड है और बाकी 14 लोगों का इलाज चल रहा है। कलेक्टर महोदय स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने संपूर्ण डॉक्टरों से संपूर्ण जानकारी ली इलाज के संबंध में और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने RTO को और संबंधित क्षेत्र के SDM को ये कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं विगत कुछ समय पूर्व भी एक वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, तो बार बार दुर्घटना के क्या कारण हैं इसकी जाँच की जाए और एक कमेटी बनाते हुए इसके दुर्घटना पुनः पुनरावृत्तियाँ नहीं हो उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं उसके संबंध में उन्होंने निर्देश दिए हैं। सर, यहाँ पर आए अभी कितने बच्चे हैं, इसमें कितनी महिलाएं हैं, किनकी डेथ हुई, यहाँ पर कुछ प्रारंभिक जांच में आपके साथ? देखिए, अभी हमारा विषय ये नहीं है कि हमको आंकड़ों का क्लासिफिकेशन करना है, हमारे प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि जो लोग घायल हैं उनका ठीक प्रकार से इलाज हो जाए। सर, कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः सभी लोग? ये इसमें से कुछ लोग धार के हैं और कुछ लोग महू सब डिवीज़न के हैं। सर, ये इंदौर से बस जा रही थी या आ रही थी? ये इंदौर से जा रही थी, ये बस नहीं है, आयसर है बेसिकली। जी सर, माफी करना सर, शुभ नाम आपका सर? अजय देव शर्मा, ADM इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।